गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा आता है, SSC बैंक JEE वगैरह में भी बहुत बार पूछा जाता है ये। मैंने कहा रैंक, रैंक का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने कोई भी एक वर्ड दिया तो वो डिक्शनरी में कौन से नंबर पोजीशन पर आएगा। मैंने कोई भी एक वर्ड दिया वो डिक्शनरी में कौन से नंबर पोजीशन पर आएगा, उससे हम क्या कहते हैं, रैंक की बात कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। समझे? अब जैसे कि मान लो मैंने ये कहा, एक स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, मेरा क्वेश्चन है फास्ट। आपको ये बताना है डिक्शनरी में फास्ट कौन से नंबर वर्ड पर आएगा, कौन से नंबर पोजीशन पर आएगा। तो अब एक बात सुनिएगा पहले तो मेरी, जो आपके पास फास्ट है यानी कि जो डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी कौन सी होगी, वो ऐसी डिक्शनरी है जो मैं बनाता हूँ, यानी कि हम अपने आप से बनाते हैं, इसके लेटर्स को यूज करके, इसके लेटर्स को यूज करके। जैसे आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, अगर मैं इन चारों अक्षरों को यूज करूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब और बिना मतलब के जो बनेंगे वो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 बनेंगे आपके पास, यानी कि जो मेरी डिक्शनरी होगी उसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 24 है। ये एक्चुअल डिक्शनरी नहीं है, ये वो डिक्शनरी है जो इनको यूज करके, तो आपको क्या करना है, 24 बनेंगे, उन 24 में से कौन से नंबर पोजीशन पर मेरा ये वर्ड आएगा फास्ट। अब देखते हैं, सबसे पहले तो क्या काम करना है, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कॉमा डाल के मैं सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, बी आता है, फिर बी आपके पास दे नहीं रखा, इस तरह से आपके पास पहले कौन आएगा, फिर एफ आएगा, क्यू आर एस टी आएगा, फिर टी आएगा, एस आएगा, फिर टी आएगा, इस तरह से आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली पहले अक्षर उठाया ए, क्योंकि आपको पता है ना डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, और अगर मैं पहला अक्षर उठाता हूँ ए तो सारे पहले ए से आने वाले वर्ड बनेंगे। अब क्या मुझे तो फास्ट बनाना है, क्या ए चाहिए मुझे, ए नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, ए को ऐसे भी रखूंगा। यहां पर आप ये बताएं कि कितने अक्षरों के इस वर्ड और आ सकते हैं, ए तो फिक्स हो गया, ए को फिक्स करा मैंने, तीन अक्षर बच गए, तो ऑप्शन क्या बचा, 3, 2, 1, यानी कि 3 फैक्टर, कोई भी आगे पीछे आ सकता है, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, लेकिन ए मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने ये केस स्किप कर दिया मेरा। फिर नेक्स्ट केस, ए के बाद कौन आता है, एफ आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाँ जी एफ मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए तो मैं आपने केस नहीं बताऊंगा, मैंने इसे कट कर दी क्योंकि मेरा ये बिल्कुल 110% फिक्स हो गया। फिर दोबारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गया तो पहले ए आता है, ए, ए भी मेरे को चाहिए सेकंड ऑर्डर पे, ए भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर मैं आया एस और टी में, पहले कौन आता है, एस, क्या मुझे एस इसी पोजीशन पे चाहिए, हाँ जी, तो ये भी मैं चेंज नहीं करूंगा, टी, टी भी उसी पोजीशन पे रहेगा, यानी कि ये तो सर एक ही केस बना, फिक्स हो गया, ओनली वन केस, तो टोटल कितने आ गए, 6+1, 7। तो रैंक क्या आ गई, 7 फास्ट की, 7th पोजीशन पर कौन बैठा होगा, फास्ट बैठा होगा इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली। समझियो ये बात, दूसरी चीज समझेंगे अब, अगर मुझसे पूछता हाउ मेनी वर्ड्स बिफोर फास्ट, फास्ट से पहले कितने वर्ड हैं आपके पास, फास्ट से पहले, तो आपके पास देखो फास्ट तो ये 7th पोजीशन पे था, उससे पहले कितने हैं, 6, तो आंसर कितना आता, 6 वर्ड्स। समझे ये बात, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स,
आपके पास अब एक वर्ड आता है रैंडम, आपको इसका क्या निकालना है, रैंक निकालना है। पहला काम हमेशा वही होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। सर पहले ए आता है, फिर डी आता है, फिर एम आता है, एन आता है, ओ आता है और फिर आर आता है। छह लेटर थे। आपको पता है सबसे पहला काम तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेरी जो डिक्शनरी में बनने वाले हैं, टोटल वर्ड्स इन डिक्शनरी। सिक्स फैक्टोरियल बनेगा यानी कि 720 आपका आंसर आएगा। 720 में से कौन से नंबर पोजीशन पर वर्ड आएगा रैंडम? सबसे पहला काम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आया, टेम्परेरली इसको फिक्स करता हूं, 110% फिक्स नहीं करता हूं। तो कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच गए। तो 5 फैक्टोरियल बनना चाहिए, वो आगे पीछे कैसे भी आ सकता है, तो आपसे कितना हो गया 120। लेकिन मेरे को ए चाहिए नहीं था, फिर मेरे पास ए के बाद कौन आएगा, डी, क्योंकि आपको पता है ना डिक्शनरी में ए के बाद अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो बी सी फिर डी। डी को भी फिक्स किया, ए भी फिक्स नहीं हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टोरियल फिक्स कब तक नहीं करते, परमानेंट, जब तक वो वर्ड ना आ जाए जो मुझे रिक्वायर्ड है सिक्वेंस में। फिर मेरे पास बी के बाद कौन आएगा, एम आएगा। सर एम में भी यही होगा, मेरे पास मुझे चाहिए तो नहीं, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। इसलिए मैं आपको अलग अलग कलर से लिख के दिखा रहा हूं। एम के बाद कौन आएगा, एन आएगा। यहां देखिएगा मेरे पास कितने वर्ड्स आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल सॉरी 120। फिर मेरे पास ओ आएगा, तो आपको पता है 5 फैक्टोरियल ही बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब ये सालों तक घूम के आ गया, कुछ नहीं मेरा, लास्ट में आया आर। आर मेरे को चाहिए, ये आप दे चुके हो क्योंकि फिक्स करना था। अब डी आएगा, क्या डी आपको चाहिए, डी आपको नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए होता तभी केस बनाते हैं, दो तो कट गए, एक हमने ले लिया, कितने बच गए, 1, 2, 3, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आ गया। फिर आर ए तो फिक्स हो चुका था आपका, जो फिक्स होता जा रहा है मैं उसके ऊपर डैश लगाता जा रहा हूं। बी के बाद कौन आएगा, एम आएगा, क्या एम चाहिए, नहीं चाहिए, तो फैक्टोरियल तो कौन सा बनेगा, 1, 2, 3, समझे हो ये बात। आर आ गया, ए आ गया, डी हो चुका, एम हो चुका, अब कौन आएगा, एन आएगा मेरे पास, ठीक है, आएगा ए आ गया, एन आएगा, तो क्या आपको पता है एम डी एम एन आएगा सीक्वेंस में, डी मुझे चाहिए ना, एन आपको चाहिए, आर ए एन, तो एन को कट कर दिया। देखो मैं वहां पे भी इंक्रीज करता जा रहा हूं, यानी कि ये 3 तो हो गए फिक्स, वो बनता जा रहा है। फिर दोबारा से अल्फाबेटिकल में देखना है तो डी आ गया, सर डी भी मुझे एज पीस चाहिए, तो मुझे केस नहीं बनाना, कटोगे ये भी, आगे प्रोड्यूस कर दो। डी के बाद कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल में वर्ड में नहीं देखना, अल्फाबेटिकल में, एम आएगा। क्या मुझे एम चाहिए, नहीं, तो सर केस कितने बनेंगे, यहां पे आ सकता है 1, क्यों, एम आ गया तो ओ बचेगा ना, तो 1 फैक्टर यानी कि 1, ठीक है। लेकिन आर ए एन डी हो चुका, एम नहीं चाहिए तो आपको कौन सा चाहिएगा, ओ, ओ आपको चाहिए, कैंसिल कर दिया, ओ तक पहुंच गया मैं, फिर तो बचा ही कौन केस, एक एम पर एम आपको एज इट इज चाहिए था, तो एक आ गया लास्ट केस। अब इन सबको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, अब इन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 120 प्लस में 120 प्लस में 120, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
ये 6 प्लस में 6 प्लस में 1 प्लस में 1। देखो 120 को 5 में किया तो कितना हो गया 600, 612, 13 और ये 14, तो 614th क्या आ गया, रैंक आ गई मेरे पास। वर्ड क्या था, रैंडम था, निकालना आ गया ये अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं रैंडम, अब हम देखते हैं रैंक उन लेटर उन वर्ड्स की जब आपके पास एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो रहा हो, एक से ज्यादा बार लेटर रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मैंने बात करी अगेन, क्योंकि अभी तक आपने ये देखा था हर एक लेटर एक एक बार ही आ रहा था मेरे पास, अब आपके पास वर्ड आ गया अगेन, इसमें ए दो बार आ रहा है, तो आपको मैं परम्यूटेशन का एक रूल बता देता हूं। परम्यूटेशन का रूल, इस पे जाने से पहले मान लो मैंने ये कहा आपको ई आर आर के बारे में परम्यूटेशन निकालनी, कितने लेटर्स हैं, तीन, तो तीन पर टोटल लिखते थे, जो लेटर जितनी बार आता है उससे डिवाइड करो, ये लेटर दो बार आ रहा है तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ये होता है परम्यूटेशन का रूल। इसको मैंने पहले क्या किया, अरेंज किया ए ए जी आई और एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मैं लेके चलूंगा, पहला काम मेरा ए आएगा, मुझे चाहिए तो मैंने फिक्स कर लिया, सॉरी इसको नहीं काटता हूं, इसको काट देता हूं, मैं यहां पे पहुंच गया, मेरा फिक्स हो गया। अब यहां पर मेरा ये फिक्स हो गया, दूसरा वर्ड क्या आएगा, ए, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में चलूंगा तो मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिएगा तो मैं ऑर्डर बढ़ाऊंगा, परम्यूटेशन लेके चलूंगा, तीन बच गया तो तीन फैक्टोरियल यानी कि 6 आ गया आपके पास। फिर ए नहीं चाहिए था आपको, आगे जी, सर जी एज इट इज चाहिए तो कैंसिल हो गया, पहुंच गया मैं यहां तक, अल्फाबेटिकल में आऊंगा तो ए आएगा, सर ए एज इट इज चाहिए, ए भी कैंसिल, उसके बाद अल्फाबेटिकल में आई, आई हमें एज इट इज चाहिए ना, फिर एन कुछ होगा ही नहीं, मैं एज इट इज पहुंच गया यहां पे, यानी कि एक ही केस, तो टोटल इनको ऐड करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास 7, कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 7 हो गया, ये चीज क्लियर है। तो इसमें तो खैर दो वाली परम्यूटेशन का यूज हुआ नहीं, खाली वर्ड दिख रहा था मुझे वैसा। अब एक जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें आएगा, वर्ड है आपके पास इंडिया, पहले देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 आएगी, नंबर ऑफ होल निकालनी है आपको, रैंक निकालनी है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आई, सॉरी ए, देन डी, देन आई दो बार आ रहा है और फिर एन आएगा, इसी तरह से लिखेंगे, काम मेरा वही आने वाला हमेशा की तरह। सबसे पहले आपको मिलेगा ए, लिखो क्या ए चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो परम्यूटेशन लेके चलना पड़ेगा, बनाना तो इंडिया था ना आपको, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। अब ये देखो ध्यान से, परम्यूटेशन आप इन पे लगाओगे ना, आई दो बार आ रहा है तो मुझे दो फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 × 3 × 2 × 1 / 2 × 1 आंसर कितना आ गया 12, ध्यान रखिएगा इस चीज का, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा ये। फिर ए के बाद मेरे को आ गया डी, डी चाहिए नहीं चाहिए, डी भी नहीं चाहिए तो लिखो, डी को छुपा लूंगा तो ए आई आई 4 है और बाद में 2 तो आएगा क्योंकि तो आई दो बार आ रहा था, 4 × 3 × 2 / 1 / 2 × 1 तो 12 आ गया आपका आंसर। फिर मेरे पास आया ये वाला आई सीक्वेंस में, सर आई चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी चाहिए चाहिए चाहिए, ए आई को कैंसिल कर दो भाई, आ गया ठीक है, अल्फाबेटिकल में आओ, ए आ गया, क्या ए चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ना ए, इसको करने के बाद दोबारा सीक्वेंस में देखते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, पता होगा आपको तो ए नहीं चाहिए, तो कितने बच गए 1 2 3। अब ये देखो आई तो कट चुका, उसको मत देखना, डी आई और एन 3 बच गए, क्या रिपीट हो रहा है, नहीं तो सिंपल 3 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर कितना आ गया 6, समझे।
आई ए के बाद डी, डी नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, आई कट चुका तो ए आई एन तीन रिपीट तो कुछ भी नहीं हो रहा, छह आ गया, समझ रहे हो ना। फिर आपके पास आ गया आई, डी के बाद कौन आएगा, आई चाहिए आई नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए तो देखो आई दोनों चुप गए, ए डी एन तीन रिपीट तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आई एन आएगा, सर एन चाहिए मुझे, काटो यहां तक पहुंच गए। फिर अल्फाबेटिकल में ए, वो तो कट चुके उसको मैं देखना, ये आज तो काटी हो रही, दो बच गए तो दो फैक्टोरियल, समझ रहे हैं। फिर क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, नो डाउट। आई आ गया, एन आ गया, ए नहीं चाहिए, ए के बाद कौन आया, डी, डी चाहिए क्या, हाँ जी बिल्कुल डी चाहिए, देखो तो डी कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ए आएगा, अक्षर ए चाहिए नहीं चाहिए, सर कितने बच गए, खाली एक ही तो बच गया, आई एन डी हो चुका, ए आपको आ चुका नहीं चाहिए था, आई आई चाहिए क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल चाहिए, काट दो भाई, बन गया। फिर ए, एक तो एक ही चांस रहेगा, वो भी कट गया, चाहिए मुझे एक केस, तो मुझे अगर रैंक निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, फिर का सबका ऐड 12 + 12 + 6 + 6 + 6 + 2 + 1 + 1 तो कितना आएगा आपके पास, 12 + 12 = 24, 24 + 6 = 36, 42, 44, 45, 46 आपके पास क्या हो गई, रैंक हो गई। समझ आया कि जब हम आपका रिपीट होते हैं तो हम कैसे करते हैं, बस जब परम्यूटेशन में देखते हैं तभी डिवाइड करना, अदरवाइज नहीं करना, वो तो फिक्स हो चुका ना। क्लियर है ये अच्छे से, थैंक यू स्टूडेंट्स।